हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रिएटिविटी लवर्स में। और आज मैं आपके साथ देखिए नीटिंग के इस डिज़ाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। और ये पैटर्न देखिए हमारा कितना प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर, बहुत इजी डिज़ाइन है। इसे एक कलर में भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, लेकिन देखिए आज मैंने इसे टू कलर में बनाया है। तो टू कलर में इस पैटर्न को बहुत प्यारा लग रहा है। इसे जैसे मैंने टू कलर में बनाया है ना, आप इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हो और सिंगल कलर में भी बना सकते हो। बहुत आसान पैटर्न है, चलिए शुरू कर लेते हैं जल्दी से इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हमने 12 के मल्टीपल से फंदे डालने हैं और 3 फंदे एक्स्ट्रा ले लेने हैं। 12 के मल्टीपल से फंदे डालेंगे और 3 फंदे हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो आपने पहले नीचे बॉर्डर बनाना है, बॉर्डर बनाने के बाद अपना सेकेंड कलर लगाना है। तो सेकेंड कलर से एक सीधी और एक उल्टी रो आपने डाल लेनी है। एक सीधी और एक उल्टी रो डालने के बाद आगे अब हम डिज़ाइन को डालना स्टार्ट करेंगे। देखिए पैटर्न की फर्स्ट रो सीधी तरफ से पहले फंदे को हमने उतार लेना है। पहले फंदे को उतारने के बाद 4 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। 1 2 3 4 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे। इन 2 फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए हमने यहाँ पर कर देना है 2 का 1 2 का 1। करने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक फंदा हम सीधा बना देंगे। अब धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को देखिए उतारेंगे, सीधा करेंगे, इन 2 फंदों में डालेंगे सिलाई और पीछे से कर देंगे 2 का 1। और यहाँ पर हमने जाली भी डाल दी अपनी। अब धागा अपनी तरफ करते हुए हमने देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे। 7 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये 1 ये 2। 2 फंदों में देखिए ऐसे सिलाई को डालेंगे, 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जाली डालेंगे और इस फंदे को हम सीधा बना देंगे। धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, क्योंकि जाली डालनी है, इस फंदे को उतारेंगे, सीधा करेंगे, इन 2 फंदों में देखिए ऐसे सिलाई को डालेंगे, 2 का 1 कर देंगे। उसके बाद आपने फिर से 7 फंदे उल्टे बनाने हैं। 7 फंदे उल्टे बनाने के बाद ये वाला पैटर्न 2 का 1 करते हुए जाली डालते हुए आगे आपने रिपीट करते जाना है। और लास्ट में देखिए हमारे पास ये 5 फंदे बचेंगे, जिनमें से 4 फंदे तो आपने उल्टे ही बना लेने हैं और लास्ट में एस स्टिच का फंदा जिसे सीधा बना देंगे। और यहीं पर हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट होती है। सेकंड रो हमारी देखिए उल्टी तरफ से, फर्स्ट फंदे को पहले हमने उतार लेना है, धागा करेंगे दूसरी तरफ। अब यहाँ पर जो फंदे हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं देखिए उसे वैसे ही बनाते जाएंगे। ये 4 फंदे हमारे सीधे बनेंगे, क्योंकि उल्टी तरफ से हमने इन्हें उल्टा बनाया था। अब धागा अपनी तरफ करते हुए ये 1 2 3 4 5 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ। बीच वाले हमारे देखिए 7 फंदे उधर से उल्टे थे, तो 7 फंदे उल्टी तरफ से ये सीधे बनेंगे। 2 3 4 5 6 7 देखिए 7 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, 5 फंदे फिर से उल्टे बनाएंगे। इसी पैटर्न को आपने पूरी सिलाई में रिपीट करते जाना है, देखिए ऐसे। और लास्ट में जाकर हमारे पास देखिए ये 1 2 3 4 फंदे देखिए पैटर्न के, और लास्ट फंदा ये एस स्टिच का। सेकेंड रो कंप्लीट होती है। अब आ गए हम थर्ड रो, देखिए सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को हमने उतार लेना है। पहले हमने यहाँ पर 4 फंदे उल्टे बनाए थे, अब 1 2 3 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब आगे इसमें देखिए ऐसे, ये उल्टा फंदा ये सीधा फंदा, इन दोनों में आगे से सिलाई डालते हुए हमने यहाँ पर किया 2 का 1। 2 का 1 करने के बाद इस जाली वाले फंदे को भी सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे के दोनों तरफ हमने जाली डालनी है। तो इस फंदे के देखिए सीधा बनाया, जाली डाल ली, अब धागा अपनी तरफ किया, जाली डाला, फंदा सीधा बना लेंगे और यहाँ पर हमारी जाली डल गई। इस फंदे को ऐसे सीधा करेंगे, सीधा और उल्टा फंदा है हमारा, दोनों का कर देंगे 1। अब धागा अपनी तरफ करते हुए ये 5 फंदे हमारे 1 2 3 4 5 फंदे उल्टे।
अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये उल्टा फंदा सीधा फंदा दोनों को कर देंगे दो का एक आगे से सिलाई डालते हुए। दोनों तरफ से देखिए एक एक उल्टा फंदा हमारा कम हो गया। यहाँ पर हमारे उल्टे फंदे देखिए सीधी तरफ से कम होते जाएंगे और उल्टी तरफ से हमारे सीधे फंदे कम होते जाएंगे। दो का एक करने के बाद इस जाली वाले फंदे को हम सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये सीधा फंदा जाली डाल दी, धागा अपनी तरफ किया, ये सीधा फंदा और जाली डाल दी। अब इस फंदे को ऐसे सीधा करेंगे, सीधा और उल्टा फंदा दो का एक करते हुए देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, ये तीन फंदे उल्टे, ये लास्ट हमारा एस स्टिच का फंदा उल्टा ही मैं बना लूंगी। अब उल्टी तरफ से जो फंदे हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं उन्हें वैसा ही बना लेंगे। देखिए फोर्थ रो कंप्लीट करने के बाद अब आ गए फिफ्थ रो हम सीधी तरफ से। तो फर्स्ट फंदे को हमने पहले उतारा, उसके बाद यहाँ पर अब दो फंदे हमारे देखिए ये एक और ये दो, दो फंदे आएंगे हमारे ये उल्टे। दो फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, सीधा उल्टा फंदा आगे से सिलाई डालते हुए हमने दो का एक कर देना है। यहाँ पर ऐसे दो का एक करने के बाद ये एक, दो फंदे हमारे देखिए जाली से बढ़ गए, इन्हें सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे और यहाँ पर जाली डालेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से जाली डालेंगे और इस फंदे को सीधा बनाया ये दो, इस फंदे को किया सीधा, सीधा और उल्टा फंदा पीछे से सिलाई डालते हुए दो का एक कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, आगे से देखिए सिलाई डालते हुए दो का एक कर देंगे। अब ये दो जाली से बढ़े हुए फंदे हैं जिन्हें सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए इस फंदे को सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे। धागा अपनी तरफ करते हुए इस फंदे को सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे और ये फंदा सीधा। अब इस फंदे को देखिए सीधा करेंगे, एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा दो का एक कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ, ये दो फंदे उल्टे और ये लास्ट का फंदा भी उल्टा, और उल्टी तरफ से जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं उन्हें वैसा ही बना लें। अब सेवंथ रो देखिए सीधी तरफ से। फर्स्ट फंदे को उतारा ऐसे, फर्स्ट फंदे को उतारने के बाद हमने एक फंदा उल्टा बना लेंगे। एक फंदा उल्टा बनाने के बाद धागा करेंगे दूसरी तरफ, ये उल्टा और ये सीधा फंदा है हमारा, दोनों में आगे से ऐसे सिलाई को डालेंगे दो का एक कर देंगे। उसके बाद ये एक दो तीन फंदे सीधे। अब यहाँ पर देखिए इस फंदे के दोनों तरफ आपने जाली डालना नहीं भूलना है। धागा अपनी तरफ करते हुए पहले सीधा फंदा जाली डाल ली, धागा फिर से अपनी तरफ देखिए इस फंदे को सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे और ये एक दो तीन फंदे सीधे। अब इस फंदे को उतारेंगे, सीधा करेंगे, पीछे से कर देंगे दो का एक ऐसे। अब धागा अपनी तरफ, एक फंदा हमारा उल्टा रहेगा उल्टा बना लेंगे। अब आगे से सिलाई डालेंगे दो का एक कर देंगे और यहाँ पर एक दो तीन फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे और ये दो फंदे सीधे। इस फंदे को उतारेंगे, सीधा करेंगे, एक सीधा एक उल्टा फंदा पीछे से सिलाई डालते हुए दो का एक कर देंगे। धागा अपनी तरफ उल्टा फंदा और लास्ट का फंदा ये उल्टा, और उल्टी तरफ से देखिए जो फंदे हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। ये देखिए ये सीधा फंदा सिर्फ एक रह गया है और ये फंदे हमारे उल्टे हैं, यहाँ भी एक सीधा फंदा यहाँ भी देखिए। अब सीधी तरफ से ये हमारी नाइन्थ रो है। तो फर्स्ट फंदे को हमने उतारा और यहाँ पर हमारा उल्टा फंदा कोई भी नहीं बचा है। धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये देखिए ये एक उल्टा फंदा है, ये सीधा फंदा है, इन दोनों में देखिए ऐसे आगे से सिलाई डालते हुए हमने दो का एक कर देंगे। दो का एक करने के बाद देखिए यहाँ पर उल्टा फंदा हमारे पास इस सिलाई में ना कोई नहीं बचेगा, इन फंदों को सीधा बना लिया। यहाँ पर जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करते हुए इस फंदे को सीधा बना दूंगी। धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे और ये फंदे सीधे बना लेंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरी वीडियो तेज़ है, जल्दी जल्दी है, देखिए तेज तेज चल रही है, तो आप सेटिंग पर जाकर वीडियो स्लो कर कर देख सकते हैं। देखिए ये उल्टा फंदा ये सीधा फंदा, दो फंदे हैं ना, आगे से सिलाई डालते हुए आपने ऐसे पहले इन दो फंदों को उतार लेना है।
अब इस फंदे को हमने सीधा बना लेना है। अब इन दोनों फंदों को हमने ऐसे सिलाई पर लिया और ऊपर से गिरा देंगे। ये उल्टा फंदा देखिए हमारा बीच में आ गया। अब ये एक दो तीन चार फंदे हमारे सीधे। अब धागा अपनी तरफ इस फंदे को सीधा बनाएंगे, जारी डालेंगे, धागा अपनी तरफ इस फंदे को सीधा बनाएंगे, जारी डालेंगे और ये लास्ट के फंदे को ऐसे उल्टाते हुए सीधा करेंगे। एक सीधा और एक उल्टा फंदा, दो का एक कर देंगे ये लास्ट फंदा। अब उल्टी तरफ से देखिए हमने अपना ना सेकंड कलर लगाना है। उल्टी तरफ से हमने अपना सेकंड कलर लगाना है और सेकंड कलर लगाने के बाद हमने ये पूरी रो देखिए उल्टी उल्टी बना लेनी है। कोई और डिज़ाइन देखिए हो, फंदा सीधा नहीं है हमारे पास, पूरी रो ये हमारी उल्टी उल्टी ही डलेगी। तो इस रो को ऐसे ही बनाकर अपनी को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब हमारा ना हाफ पैटर्न बनकर कंप्लीट है और हाफ पैटर्न ही हमारा आगे बनेगा। तो देखिए ये वाली चीज़ हमारी यहाँ पर आएगी और हाफ इधर बनेगा। तो उसे बनाना कैसे है वो देखिए। फर्स्ट फंदे को आपने उतारा, फर्स्ट फंदे को उतारने के बाद ये एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए हमने देखिए इस फंदे को ऐसे उतारा, सीधा किया और दो का एक कर देंगे और यहाँ पर हमने जाली भी डालनी है अपनी ऐसे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए सात फंदे हम उल्टे बना लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे। आगे से देखिए दो फंदों में सिलाई डालते हुए दो का एक कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए देखिए ये उल्टा फंदा जो सेंटर में है वहाँ पर हमने देखिए बनाया सीधा और जाली डाल ली। धागा अपनी तरफ करती है, इस फंदे को उतारा देखिए ऐसे पीछे से सिलाई डालते हुए दो का एक करेंगे और यहाँ पर भी हम जाली डाल। अब फिर से देखिए ये एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात फंदे अपने उल्टे। सात फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करते हुए हमने आगे से सिलाई डालनी है ऐसे दो फंदों में और दो का एक कर देना है हमने। दो का एक करने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा हमारा सीधा और जाली डाल देंगे। अब धागा फिर से अपनी तरफ, ये सीधा और जाली डाल दी ऐसे, और उल्टी तरफ से जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं उन्हें वैसा ही बनाते जाएंगे। अब सीधी तरफ से देखिए ऐसे फर्स्ट फंदे को उतारा, फर्स्ट फंदे को उतारने के बाद ये एक फंदा सीधा बनाएंगे। ये जाली से बड़ा हुआ फंदा है जिसे हम सीधा ही बना लेंगे। इसे सीधा बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करते हुए हमने इस फंदे को उतारना है, सीधा करना है ये एक फंदा, ये उल्टा फंदा, यहाँ पर हमने जाली डालनी है और दो का एक कर देना है ऐसे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए ये एक दो तीन चार और ये पांच फंदे हमारे उल्टे। पांच फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये उल्टा और ये सीधा फंदा, आगे से सिलाई डालते हुए दो का एक कर देंगे ऐसे। दो का एक करने के बाद जाली वाले फंदे को भी सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे के दोनों तरफ हमने जाली डालनी है। अब धागा फिर से अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा, इस फंदे को उतारेंगे, सीधा करेंगे, सीधा और उल्टा फंदा दोनों में सिलाई डालते हुए पीछे से दो का एक कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ, ये एक दो तीन चार पांच फंदे हमारे उल्टे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, देखिए ये एक सीधा एक उल्टा फंदा है, इन दोनों में देखिए ऐसे आगे से सिलाई डालते हुए हमने दो का एक कर देना है। अब यहाँ पर जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करना है, इस जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे और ये लास्ट में हमारे दो फंदे इसे सीधा ही बना दूंगी। अब उल्टी तरफ से जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं उन्हें वैसा ही बना लेंगे। अब सीधी तरफ से देखिए फर्स्ट फंदे को उतारा और ये फंदे हमारे ये एक सीधा फंदा, ये जाली से बढ़ गए हैं हमारे दो फंदे जिन्हें हमने सीधा ही बना लेना है। हर बार देखिए सीधे फंदे पर ही हमने जाली डालनी है। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे
सीधा कर लेंगे, एक सीधा और एक उल्टा फंदा दो का एक करते हुए यहाँ पर हमने जाली डाल ली। अब धागा अपनी तरफ, बीच में हमारे पास तीन फंदे आएंगे उल्टे, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे, दो फंदों में एक सीधा और एक उल्टा फंदा दो का एक कर दूंगी। अब यहाँ पर एक दो फंदे ये सीधे, धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे और ये भी फंदा हमारा सीधा। इस फंदे को उतारेंगे, ऐसे सीधा करेंगे, एक उल्टा और एक सीधा फंदा दो का एक, धागा अपनी तरफ करते हुए ये एक दो तीन फंदे हमारे उल्टे, तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद आगे से सिलाई डालेंगे, दो फंदों में सीधा उल्टा फंदा देखिए दो का एक कर दिया, धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक दो तीन और ये लास्ट एस स्टिच का फंदा जिसे सीधा ही बना दूंगी। ऐसे उल्टी रो बनाने के बाद देखिए फिर से सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को उतारा, ये एक दो तीन और ये चार फंदे हमारे सीधे, चार फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ, इस फंदे को उतारा, सीधा किया, सीधा और उल्टा फंदा देखिए पीछे से सिलाई डालते हुए दो का एक कर दिया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हमारा उल्टा रह गया, इसे उल्टा बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ सीधा और उल्टा फंदा आगे से सिलाई डालेंगे, दो फंदों में दो का एक कर देंगे, दो का एक करने के बाद ये एक दो तीन, तीन फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, जाली डाल दी हमने दोनों तरफ, दोनों तरफ हमने देखिए जाली जरूर डालनी है, नहीं तो जब दो का एक करते हैं जाली नहीं डालेंगे तो हमारे फंदे कम हो जाएंगे। अब इस फंदे को ऐसे सीधा करेंगे, सीधा और उल्टा फंदा पीछे से सिलाई डालते हुए दो का एक कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे, दो फंदों में सीधा और उल्टा फंदा देखिए दो का एक कर दिया। अब धागा अपनी तरफ करते हुए देखिए ये जाली वाले फंदे सीधे बना देंगे और यहाँ पर हमारी जाली भी डल जाएगी और उल्टी तरफ से जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसा ही बना लेंगे। अब सीधी तरफ से देखिए फर्स्ट फंदे को उतार लिया, फर्स्ट फंदे को उतारने के बाद ये एक दो तीन चार और ये पांच सीधे हो गए फंदे। अब देखिए धागा अपनी तरफ कर लेंगे, यहाँ पर हमने जाली डालनी है, ये सीधा और उल्टा फंदा देखिए ऐसे थोड़ा सा लूज कर लेंगे। अब आगे से सिलाई डालेंगे इन दो फंदों में, इन्हें उतारा क्योंकि यहाँ पर हमने देखिए तीन का एक करना है, इस फंदे को बना लेंगे सीधा और यहाँ पर देखिए जाली भी हमारी डलेगी ऐसे। अब इन दोनों फंदों को ऐसे सिलाई में लिया, ऊपर से गिरा दिया, देखिए यहाँ पर हमने फिर से कर दिया तीन का एक, तीन का एक करने के बाद देखिए ये वाले फंदे मैं सीधे बना दूंगी, दो तीन चार। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे, धागा अपनी तरफ, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे और ये एक दो तीन और ये चार फंदे सीधे। अब फिर से देखिए ये सीधा फंदा, ये उल्टा फंदा, इन दोनों में देखिए ऐसे सिलाई डालते हुए उतार लेंगे इन्हें, यहाँ पर हमने तीन का एक करना है तो इस फंदे को सीधा बना लेंगे। अब इसे उठाएंगे ऐसे ऊपर से गिरा देंगे, देखिए ऐसे। अब धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे और ये फंदे हमारे एक दो तीन चार पाँच छः, देखिए इस पैटर्न की हमारी ये लास्ट रो थी। इसके बाद उल्टी तरफ से आपने फिर से अपना ये सेकंड कलर इसके साथ अटैच कर लेना है और इसके बाद आपने फर्स्ट रो से इस पैटर्न को स्टार्ट करना है। आगे आगे रिपीट करते जाएंगे तो ऐसा देखिए ब्यूटीफुल डिज़ाइन आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस पैटर्न को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा और बहुत आसान पैटर्न है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, बताने का ढंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।